बॉन्ड्स हो गए या इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गई, जो भी हो गई, तो पाकिस्तान में उसके ऊपर भी टैक्सेशन है। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्सेशन नहीं होती। हम इंडिया में ये होता है कि छोटी सी छोटी कंपनी भी विद इन 1 ईयर, 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे वो अपने आप को लिफ्ट करवा सकती है। बट जाके पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। पहली बात, 3 साल की होनी चाहिए, 3 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए पुरानी कंपनी। जो हमें जो पट्टी पढ़ाई जाती है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, ये गलत थ्योरी है, क्योंकि वास्को डिगामा एक अलग कहानी के जरिए आया था, जो कि ट्रीटी ऑफ टॉर्सोडेल हुई थी। हम हमारे जो मसाले जाते थे उसके एवज में हमें सोने मिले करते थे, और ये हमारे मंदिरों में हजारों साल से जमा होते होते इतना हो गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिलीव्स इन मोनोपोली, ठीक है, या ओलिगोपोली, ये किसी और को आने नहीं देते। अगर आता है तो वो जो पुरानी ओलिगोपोली होती है वो उसके खिलाफ चाले चलते हैं और गवर्नमेंट इसके अंदर शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ओलिगोपोली या मोनोपोली नहीं थी और उन्होंने चाले नहीं चली, चली उन्होंने भी थी, बहुत सारे ऐसे थे, बट गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देती थी, गवर्नमेंट उल्टा उनके खिलाफ काम करती थी। ऐसे लॉस बनाते थे कि उनकी ओलिगोपोली मोनोपोली टूट के खत्म हो जाए, देते हैं। या हम वो उन पुराने खानदानों में से हैं, 50 खानदान आजादी के टाइम के, तो फिर हमें इतना कॉपरेटिव, हमें एक टैक्स भी देने की। Hi viewers, this is me Rivaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट होके तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुपर चैट कीजिए। आज हमने इंडिया से ज्वाइन किया है जुनेद जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है दिवीक कुमार जी ने। अब दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जुनेद के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दिवीक सर का जो चैनल है वो किसी ने फेक बनाया है तो उसको प्रमोट कीजिए। आने वाले टाइम में चैनल से रिलेटेड जो है दिविक जी खुद भी कोई अपडेट बताएंगे। तो जुनेद जी अपने चैनल का बताइएगा कि किस नाम से आपका चैनल है और मैं उस जुनेद जी के चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूंगी। जी जुनेद जी, मैंने इंडियन इनसाइट के नाम से चैनल बनाया है, ऑल्दो मैंने कोई वीडियो अभी तक डाली नहीं है। फर्दर प्लान करते हैं, देख। सही हो गया, चलिए बेस्ट ऑफ लक जुनेद जी। और आज हम जो है जबरदस्त टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन कॉर्पोरेट वर्सेस पाकिस्तानी कॉर्पोरेट, और आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आगाज करेंगे दिविक जी से। दिविक जी, क्या कहना चाहेंगे इंडियन कॉर्पोरेट और पाकिस्तानी कॉर्पोरेट के दरमियान, आप क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं? और लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उनके बिजनेस इन्वायरमेंट के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंस है आखिर जो इंडिया के कॉर्पोरेट्स हैं और पाकिस्तान के कॉर्पोरेट्स हैं, इनके दरमियान बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एनवायरनमेंट के हवाले से क्या फर्क फील कर रहे हैं आप? देखिए, इंडिया में बिजनेसेस को माना जाता है कि दे आर द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी। देखिए, इंडिया में जो बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेसेस को इंडिया का बैकबोन समझा जाता है। उनकी गवर्नमेंट उनको अपना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट समझती है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये एक बहुत मेजर फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। दूसरा, इंडिया में बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इनोवेट करने के लिए एक स्पेस दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। स्पेस कैसे देते हैं? गवर्नमेंट कैसे स्पेस देगी? सीधी रिबेट्स देगी। अगर कोई कंपनी रिसर्च करती है, कोई कंपनी अगर रिसर्च में पैसे लगाती है तो उसे रिबेट्स दिए जाते हैं, या उनको ईज ऑफ बिजनेस। दूसरा, अगर आप देख लें दोनों मुल्कों में, इंडिया में एक फैक्ट्री लगाने के लिए 23 दिन लगेंगे टोटल, 23 डेज में मैं से लेके कंस्ट्रक्शन तक मैं कर सकता हूँ। दूसरा, अगर आप देख लें, ईज ऑफ बिजनेस है, ठीक है, इंडिया में इस तरीके से कि 23 दिनों में अगर मैं चाहूँ, ठीक है, जमीन खरीदने से लेके लाइसेंसेस के बाद जो भी रजिस्ट्रेशंस होती हैं अलग अलग किस्म की, 23 दिन के अंदर अंदर मैं प्रोडक्शन शुरू कर सकता हूँ, पहला फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकता हूँ जमीन के ऊपर। पाकिस्तान में 1.5 साल लग जाता है एक फैक्ट्री को शुरू करने के लिए। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, लोन्स हो गए या इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गई, जो भी हो गई, तो पाकिस्तान में उसके ऊपर भी टैक्सेशन है। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्सेशन नहीं होती, ये वो इन्वेस्टमेंट आपकी विदाउट टैक्सेशन आती है, ठीक है, उसके बाद उस जो इनकम पे होती है उस पर टैक्स लगेंगे। एक और अगर एग्जांपल दूं, डिजिटाइजेशन हो गई है, ट्रांसपेरेंसी हो गई है, इसकी वजह से जो बिजनेसेस से रिश्वतें होती हैं वो 90% कम हो गई हैं। अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया में खत्म हो गई है, पर 90%, क्योंकि देखें बिजनेसेस की जो रिश्वत होती है ना वो बड़े लेवल पे जाके होती है,
बड़े लेवल पे तो इंडिया में रिश्वतें खत्म हो गई, पर इंडिया में अभी भी छोटे लेवल पे ये काम करप्शन के चलते हैं, तो वो फ्यूचर में हम देखेंगे कि खत्म होंगे। लेकिन अब तक ये बहुत कुछ इसमें फर्क आ चुका है। बैंकिंग सेक्टर को आसान किया गया, जैसे कि बैंकिंग को बैंक्स को बोला गया कि आप लोग अपने सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेट अकाउंट के सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करें ताकि बिजनेस इजीली लोन ले सकें, डिजिटली बैंकिंग कर सकें, कंपनी लेवल पे जो होती है बैंकिंग। दूसरा, लोन के शर्तें आसान की गई, ठीक है, अकाउंट्स पे उन लोगों ने और ज्यादा इंसेंटिव ऑफर किए। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, सिमिलरली एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बहुत आसान कर दिया, ड्यूटियां भी कम की, उल्टा मिनिस्ट्री असिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल यार, मैं बहुत बड़ी कंपनी हूं लेकिन मैं एक्सपोर्ट नहीं करता, मैंने आज तक हजारों करोड़ कमाए लेकिन इंडिया में बैठ के कमाए, ठीक है, तो अब मिनिस्ट्री, अगर मैं चाहूं ना एक्सपोर्ट करना तो मिनिस्ट्री विल असिस्ट मी इन फाइंडिंग द कस्टमर्स फॉर माई प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली। उसके सेमिनार्स भी होते हैं, उसके पोर्टल, एक अलग से पोर्टल भी बना हुआ है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा इंडिया में एक और चीज है कि आपके ईज ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट पे आप क्या होता है, जब आपको बहुत ज्यादा बड़ी फंडिंग चाहिए होती है ना, वो आप स्टॉक मार्केट से लेते हो, वो आखिरी रास्ता होता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट पे जब इंडिया में ये होता है कि छोटी सी छोटी कंपनी भी विथिन वन ईयर, एक साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे वो अपने आप को लिफ्ट करवा सकती है। जाके पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, पहली बात 3 साल की होनी चाहिए, 3 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए पुरानी कंपनी, प्लस एनुअल जो टर्नओवर है या प्रॉफिट है वो 5, या तो टर्नओवर या प्रॉफिट, इन दोनों में से कोई एक चीज $5 million होना चाहिए, तब जाके हम कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जाके कंपनी लिफ्ट करवा सकते हैं। इंडिया में ये रिक्वायरमेंट्स बहुत कम कर दी गई, क्योंकि जब कंपनी कैपिटल मार्केट्स पे चढ़ती है तो फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, उस कंपनी को ग्रो करने के एवेन्यूज भी ज्यादा मिलते हैं। ये ईज ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करूं जी, आप टर्नओवर की बात कर रहे थे जो बोल रहे थे, टर्नओवर होगा, बिल्कुल टर्नओवर होगा। अच्छा जुनेद जी, आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स और पाकिस्तानी कॉर्पोरेट्स में बिजनेस एनवायरनमेंट में आप क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। भारत वो देश है जो जिसने हमेशा बिजनेस पे रिलाई किया, जो हमें जो पट्टी पढ़ाई जाती है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ये गलत थ्योरी है, क्योंकि वास्को डी गामा एक अलग कहानी के जरिए आया था जो कि ट्रीटी ऑफ टॉर्सोडेल हुई थी, इसके बारे में कभी अलग से डिस्कस कर लेंगे। हमारा हमेशा से जो अफ्रीका के कंट्री से उनसे बहुत लॉन्ग ट्रेड रहा है, हजारों साल का ट्रेड रहा है, और हम हमारे जो मसाले जाते थे उसके एवज में हमें सोना मिले करते थे, और ये हमारे मंदिरों में हजारों साल से जमा होते होते इतना हो गया। अब ब्रिटिश एरा के आसपास आते हैं तो अंग्रेज जब इंडिया में आते हैं तो उनको भारतीयों का दमन करना था, मिनरल्स की लूट करनी थी, तो शुरू में वो खुद करते थे तो पब्लिक सेंटिमेंट उनके खिलाफ जाती थी, तो उसको कंटेन करने के लिए उन्होंने शुरू में कुछ इंडियंस को अपने प्रॉप अप करके और बिजनेसेस सेटअप करके दिया, माइनिंग उनसे कराई, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप समझ गए कि इंडिया के जो ब्रिटिश एरा के जितने भी कंपनियां हैं वो उसी तरह से ग्रोथ हुई, लेकिन पार्टीशन के बाद से इन कंपनियों ने म्यूटेट किया और कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में आ गए, प्रोडक्ट पे अपने काम किया, चीजों को इम्प्रूव करके यहां तक लेके आए, लेकिन ये जो म्यूटेशन है आपके यहाँ नहीं हुई और आज भी वो कॉलोनियल हैंगओवर अभी तक खत्म नहीं हुआ। सही, तो डिविक जी आप क्या कहना चाहेंगे कि टैक्स बेनिफिट्स में आप क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं इंडियन कॉर्पोरेट में और पाकिस्तानी कॉर्पोरेट में, कि क्या बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं, और क्या आप भी एक बिजनेसमैन हैं, आपने भी काफी अरसा यहाँ पर बिजनेस किया, तो क्या आपको टैक्स रिलैक्सेशन दी गई थी यहाँ पर, और आपने एक आपकी एक अच्छी एक हिस्ट्री आपको पता है हिंदुस्तान के हवाले से, तो आप क्या कहना चाहेंगे दोनों कॉर्पोरेट में डिफरेंस फील करते हैं टैक्स बेनिफिट्स के मामले में? देखिए, अगर टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर तो टैक्स लगाए जाते हैं ताकि आप निचोड़ के इंसान को है ना पूरा कर दो बिजनेसेस को, पहली बात तो लाइसेंसेस में और उधर रिश्वतों में पूरा हो जाता है, फिर किसी में अगर हिम्मत हो तो वो बिजनेस खोलने लायक अगर रहता है तो वो बिजनेस खोलता है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो हम सेल्स टैक्स पे ही आ जाते हैं, हर सूबे का अलग है,
ठीक है, अगर मैं कराची में कोई चीज खरीदता हूँ तो पहले मुझे कराची का सेल्स टैक्स देना है होलसेल मार्केट पे, मैं उसको अगर रिटेल पे पंजाब में बेच रहा हूँ तो मुझे वो एक जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो एक होता है कोई लेवी लगती है इंटर स्टेट लेवी वो देनी पड़ती है, और पंजाब के अंदर अगर बेच रहा हूँ तो मुझे पंजाब का भी सेल्स टैक्स देना पड़ता है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, हमारे यहाँ भी होता था पहले, वो इंडिया में बोलते होंगे, पाकिस्तान में इसको कुछ नहीं बोलते, इसमें इधर लूटी बोलते हैं। तो अब ये हो चुका हमारे यहाँ, हाँ वो तो आपका जीएसटी आने के बाद खत्म हुआ। पाकिस्तान में देखें ये है कि जो सेल्स टैक्स होता है ना वो कस्टमर देता है, वो हमें अपनी जेब से या अपनी कमाई से नहीं देना होता। पर प्रॉब्लम इज के यार आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं ना, आपको अकाउंटेंट्स रखने हैं, जो आपके लॉयर रखने हैं, जो कॉर्पोरेट लॉयर जो आपके पे करेंगे, ये सारी चीजें मैनेज करेंगे, वो भी दो दो स्टेट्स के अलग अलग मैनेज करें एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर। तो ये चीजें हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है, इतनी तो कमाई नहीं करने देते जितना कॉर्पोरेट टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। फिर इधर कंपटीशन का माहौल नहीं है, इधर ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिलीव्स इन मोनोपोली, ठीक है, या ओलिगोपोली, ये किसी और को आने नहीं देते, अगर आता है तो वो जो पुरानी ओलिगोपोली होती है वो उसके खिलाफ चाले चलते हैं और गवर्नमेंट इसके अंदर शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ओलिगोपोली या मोनोपोली नहीं थी और उन्होंने चाले नहीं चली, चली उन्होंने भी थी, बहुत सारे ऐसे थे, बट गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देती थी, गवर्नमेंट उल्टा उनके खिलाफ काम करती थी, ऐसे लॉस बनाते थे कि उनकी ओलिगोपोली मोनोपोली टूट के खत्म हो जाए, बिखर जाए, ठीक है। उसके बाद आपका डेट देख लें, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट डेट बहुत ज्यादा है। अब वो बड़े बड़े तो कॉर्पोरेट डेट ले लेते हैं, छोटे बिजनेसमैन को तो लोन भी नहीं देते, ये डेट ही नहीं देते, ठीक है। तो हम लोग ग्रो कैसे करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे बिजनेस को जब हमें लोन ही नहीं मिलेंगे छोटे बिजनेसेस को, और जो बड़े बड़े होते हैं वो लेके पे भी नहीं करते, उनके राइट ऑफ हो जाते हैं, सॉरी राइट ऑफ मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, अगर फाइनेंशियल टर्म में वेव ऑफ हो जाते हैं, उनके वेव ऑफ हो जाते हैं और हमें तो दिए भी नहीं जाते, तो राइट ऑफ तो फिर दूर की बात है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। उसके बाद फिर देख लेना वेल्थ टैक्स अलग है तो इनकम टैक्स अलग है। उसके बाद आप एक अगर ईमानदार बिजनेसमैन है ना तो उसके ऊपर फिर दुनिया के सारे टैक्स लगेंगे, उस पर फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा, एनवायरमेंट टैक्स भी लगेगा। हाँ कोई हम बड़े हैं और हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन वगैरह देते हैं, या हम वो उन पुराने खानदानों में से हैं, 50 खानदान आजादी के टाइम के, तो फिर हमें इतना कॉर्पोरेट टैक्स, हमें एक टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है, हमें लोन लेके वापस देने की भी जरूरत नहीं है, और ना देके हमें दूसरा लोन भी मिल जाएगा। पाकिस्तान में इतने लोगों क्या नाम लूं मैं, एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल ग्रुप है, आजादी से है, आजादी के टाइम से उस टाइम खानदान की है, उन्होंने पता नहीं कितनी दफा लोन लिए हैं और दिए भी नहीं, और वापस सेम बैंक उनको लोन वापस दे देती है। तो अब ये भाई ये देखे ना, ये होता है, अब छोटा बिजनेसमैन कैसे ग्रो करेगा। फिर आपने एक्सपोर्ट ड्यूटीज आपने इतनी बड़ी लगा दी है, फिर आपने उस एक्सपोर्ट का प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। फॉर एग्जाम्पल रेबा, अगर आज ड्यूटीज फॉर एग्जाम्पल जीरो हो गई, निल कर देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट फीस या जो भी लगती है फेयर, उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट इज नॉट वायबल इन पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपोर्ट में जो तीन चार चीजें लगती है ना, क्लियरिंग एजेंट आपके होते हैं, ठीक है, कस्टम वाले होते हैं, वेयर हाउस होता है, ट्रांसपोर्ट होती है, तीन चार मेजर चीजें होती हैं, ये चारों के चारों अलग है। तो आपको एक एक्सपोर्ट करने के लिए चार बंदों को हायर करना पड़ता है या चार कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, और अपना तो प्रोडक्ट चलाना ही चलाना है दुनिया में। आप अच्छा, दुनिया में मार्केटिंग भी तो करनी पड़ती है, इधर आपकी मिनिस्ट्रियां कंपनियों को हेल्प नहीं करती है किसी भी लिहाज से, जैसे इंडिया में जैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में। अब जैसे इंडिया में अभी एक और चीज की है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो वो जो वन डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो वन प्रोडक्ट डिस्कवर हुआ है उस प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया कोई भी एक्साइज वो कोई भी नहीं लगाएगा, जो एक्सपोर्ट एक्साइज होती है, ठीक है, ड्यूटी वगैरह जो भी होती है एक्सपोर्ट करने की, वो नहीं लगेगी उस एक प्रोडक्ट पे, नहीं लगेगी उस डिस्ट्रिक्ट के, और उस प्रोडक्ट के लिए इंटरनेशनल कस्टमर्स भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। आप खुद भी ढूंढो, पर फॉर एग्जांपल किसी को नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी उसके अंदर। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान में डिस्करेज किया जाता है कि आप रेवोल्यूशनरी बिजनेसेस खोलो। इंडिया में अगर आप रेवोल्यूशनरी या बिल्कुल नेक्स्ट जेन लेटेस्ट 5G टेक्नोलॉजी लेके आते हो, कोई ऐसी चीज लाते हो जो इंडिया में नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट्स हाथ खोल के उनके ऊपर लुटाती है। करंटली आप PIL देख लें, जो उनकी स्कीम्स हैं,
ठीक है, पीआईएल से पहले भी बहुत कुछ होता था, टैक्सेस फ्री देते थे. अभी फॉर एग्जांपल जो रिन्यूएबल एनर्जी पे अगर अपना कन्वर्ट कर रहा है जितना फास्ट बिजनेसेस, क्योंकि इंडिया का टारगेट जो है वो प्राइवेट कंपनीज पे भी लागू होता है ना कार्बन न्यूट्रल का, तो जो कंपनियां जितनी जल्दी वो कन्वर्ट हो रही है उनको उतना टैक्स में रिबेट मिल रहा है. और वो टैक्स में रिबेट भी कौन सा कैश में देते हैं, वो अगले साल के वो एडजस्ट कर देते हैं या एक्सपोर्ट में एडजस्ट कर देंगे या कॉर्पोरेट टैक्स में एडजस्ट कर देंगे, पर वो देते हैं, ये फायदे उनको दे रहे हैं, हमें नहीं दिए जाते. अभी फॉर एग्जांपल जैसे इधर पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन से एक तो लोग भी घबराते हैं, गवर्नमेंट भी घबराती है. ठीक है, दो वजह है, गवर्नमेंट घबराती इन अ सेंस इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट के लिए प्राइवेटाइजेशन इज लाइक के बड़ा माल एक ही झटके में लूटना, एक ही काम करो जिंदगी सेटल. प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट के उन लोगों के लिए वो चीज है. लोग घबराते हैं क्योंकि लोग पागल हैं, उनको कोई वैसे कोई कुछ समझ तो है नहीं, 0/0 है. इंडिया में प्राइवेटाइज करते हैं, इंडिया में डरती नहीं है गवर्नमेंट. ठीक है, और कुछ स्ट्रेटेजिक अगर चीजें हैं तो उनको पीपीपी मॉडल पे चलाएगी. फॉर एग्जांपल इंडिया ने एयरपोर्ट दिए हैं, ठीक है, इंडिया में दो बड़े एयरपोर्ट प्राइवेट एयरपोर्ट होल्डर्स हैं, एक अदानी है, जीएमआर ग्रुप है. आपको पता है एयरपोर्ट की जमीन और ओनरशिप इंडियन गवर्नमेंट की है, पर 25 साल 45 साल 30 साल 15 साल 18 साल 10 साल ठेका इन प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है. ठीक है, अब पाकिस्तान में काम ही उल्टे होंगे. अब ये एयरपोर्ट अब दे रहे हैं यूएई और कतर ने बिड की है, तो ये पूरा का पूरा बेच रहे हैं, ये ओनरशिप भी बेच रहे हैं अपने. ठीक है, सड़ी हुई चीजें नहीं बेचेंगे, जैसे इंडिया में थी ना कुछ सड़ी हुई चीजें होती हैं जो आपका प्रॉफिट तो जनरेट करती है पर उतना जनरेट नहीं करती, चिल्लर चिल्लर प्रॉफिट होता है. इंडिया ने वो कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दी. एयर इंडिया तो लॉस था ना, वो तो चिल्लर भी छोड़े. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, इंडिया के कुछ क्रिकेट ग्राउंड्स थे, कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, कुछ आपके ट्रांसमिशन की कुछ ऐसी लाइनें थी जो प्रॉफिट जनरेट करती थी पर वो चिल्लर प्रॉफिट था, वो उन लोगों ने प्राइवेटाइज कर दी. अब वो प्राइवेट कंपनी का ऊपर डाल दिया, अब उनका जिम्मेदारी है वो कितना प्रॉफिट कमा रहे नहीं कमा रहे, कैसे कमाते हैं, कितना बढ़ाते हैं. ठीक है, अच्छा फिर लॉज अमेंड करते हैं. मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि ये पार्लियामेंट में पीयूष गोयल ने खुद इस पार्लियामेंट में बोला है, तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये चीज बता रहा हूँ. पिछले 9 सालों में इंडिया में बिजनेस रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड कॉमर्स रिलेटेड 2.5 लाख कानून बदले गए या मिटा दिए गए हैं. 2.5 लाख कानून, मेरे को तो पहले सुना मैंने जब, तो मुझे तो इसी पे अचंबा हो गया कि 2.5 लाख कानून होते भी हैं. 2.5 लाख कानून, इसी तरह तो ईज ऑफ बिजनेस आता है. फिर डिजिटाइजेशन कर दी हर जगह. अभी देखे ना मोदी जी कहीं पे भी जाते हैं आपके सारे बिजनेस लीडर साथ जाएंगे. फ्रांस गए तो फ्रांस में भी कुछ 26 कंपनियां गई हैं मोदी जी के साथ. और मैं अपने इंडियन व्यूअर्स को बता दूं, उनमें से एक भी अदानी अंबानी टाटा बिरला कोई भी नहीं था. सारे आपके ये मिड साइज या जो होते हैं ना टीयर टू वाले बिजनेसेस थे, तो वो अपनी बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, दे गिव प्रायोरिटी. ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में भी लेके गए, ऑस्ट्रेलिया में टाटा स्टील को लेके गए थे, सेल को लेके गए थे, और गवर्नमेंट की कुछ पीएसयू थी जैसे रेयर अर्थ मिनरल वालों को लेके गए थे, क्योंकि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा आपकी सोचे भी बड़ा. ठीक है, रहती कितने आबादी है, 6 करोड़, वो भी कोस्ट लाइन पे रहती है, पूरा ऑस्ट्रेलिया यूं खाली, उस पे सिर्फ खदाने हैं, खदाने और खदाने हैं और कुछ भी नहीं है उसको. तो लोग हैं उधर सिर्फ इतने मिनरल्स हैं ऑस्ट्रेलिया पे. और वो देखे ना, 3 बिजनेसमैन से मिले ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी गए थे. एक हेज फंड के थे सीईओ, हेज फंड कौन सा जिसमें पेंशन के वो पैसे आते हैं, तो पेंशन के पैसे इन्वेस्ट करते हैं हेज फंड वाले. दूसरा वो उससे मिले जो सबसे ज्यादा खदाने ओन करती है ऑस्ट्रेलिया में, उससे मिले बिजनेस वोमेन से. तीसरा कोई और भी, तीसरा ग्रीन हाइड्रोजन की कंपनी से मिले, जो ग्रीन हाइड्रोजन में जिनके पास नई टेक्नोलॉजी है और वो पाइनियर है. तो उनका अब देखो, उनके साथ ग्रीनको का सीईओ भी गया था मोदी जी के साथ ऑस्ट्रेलिया. इंडिया की ग्रीनको कंपनी है, तो ग्रीनको ने उस कंपनी के साथ वायदे किए, उसकी इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ भी गई और कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है तमिलनाडु में हाइब्रिड प्लांट की, जिसमें सोलर और विंड एक साथ होंगे. तो आपको ये देखे ना, वो अपने बिजनेसेस को कितनी अहमियत देते हैं, साथ लेके चलते हैं. पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है. और आपको ये भी बताऊं, इंडिया में आपको पता है अगर आप टॉप 50 कंपनी से निकालेंगे ना, टॉप 50 में
16 या 18 कंपनियां जो है ना टॉप 50 में, वो गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं। इंडिया में गवर्नमेंट ओन कंपनीज को भी अब एक तरीके से उनके लेजिस्लेशन ऐसी कर दी है कि तुम लोग ऐसा प्राइवेट एंटिटी काम करोगे, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो, तुम्हारे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जिसमें प्राइवेट बंदे भी होंगे, गवर्नमेंट के भी कुछ होंगे, तुम सामान किसको बेच सकते हो वो हम डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे स्टील की PSU है, वो इंडिया की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, उसको एक तरीके से पूरा प्राइवेटाइज किया गया है, फंडिंग उठाओ तुम लोग प्राइवेट जगहों से, ठीक है, फॉरेन फंडिंग भी लेके आओ, टेक्नोलॉजी भी लेके आओ, कोलैबोरेट अपने तौर पे भी कोलैबोरेट करो, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, तुम बेचोगे किसको वो इंडिया डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक उनको कम से कम प्लेग्राउंड तो बड़ा किया है खेलने के लिए, जब बड़ा प्लेग्राउंड होता है तभी मजा आता है ना छक्के देखने का, छोटे प्लेग्राउंड में क्रिकेट में छक्के देखने का मजा नहीं है ना, ठीक है, वही चीज है, आप उनको आजादी तो दो ना कंपनियों को, तो वो करके दिखाएंगे। जितने शिपयार्ड्स थे इंडिया के उन सबको इसी तरीके से गवर्नमेंट ओन है, ठीक है, पर उनको लेजिस्लेशन इस तरह की कि वो अब वो एज अ प्राइवेट एंटिटी चलते हैं, वो साल के आखिर में पता चला अच्छा ये तो गवर्नमेंट ओन है क्योंकि उनको हिसाब गवर्नमेंट को देना होता है, पर वो चलते हैं प्राइवेट कंपनियों की तरह। और आज देखें इंडिया के शिपयार्ड्स नेवी की वो शिप्स बना रहे हैं, और एट ए टाइम इंडिया में अभी मेरे ख्याल से 47 नेवी की शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये सिर्फ मैं नेवी की बात कर रहा हूँ, मर्चेंट नेवी के अलग हैं, अभी वो कोई ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी एक शिप बनाई है साउथ वाली साइड पे, पता नहीं कौन वाइजैक का था कि पता नहीं कौन सा शिपयार्ड है, उसने ग्रीन हाइड्रोजन की शिप बनाई है, ठीक है। उसके अलावा कैरियर्स होते हैं LNG कैरियर्स, वो इंडिया बना रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, एंड इंडिया इज नाउ रीडेवलपिंग, यार मैं कंपनी भूल, कोई है बहुत बड़ा शिपयार्ड है साउथ कोची, कोची का जो शिपयार्ड है उसको अब इतना बड़ा बना रहे हैं कि इंटरनेशनल शिप्स रिपेयर होने इधर आए, वो बांग्लादेश से टक्कर ले रहे हैं, इस रीजन में बांग्लादेश के पास ये बिजनेस है, तो अब बांग्लादेश को कॉम्पिटिशन देने के लिए इंडिया कोची में वो शिपयार्ड ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, फाइनल काम चल रहा है, मतलब कुछ महीनों की बात है वो वहां पर खुल जाएंगे। सही हो गया जुनेद जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि आप इस बारे में क्या समझते हैं टैक्स बेनिफिट्स के हवाले से, आप इंडिया कॉर्पोरेट और पाकिस्तानी कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस फील करते हैं? अभी दिविक भाई ने सेल टैक्स के बारे में बात की, तो सेल टैक्स का कानून इतना गंदा कानून था जो हमारे यहाँ रिपेल हो गए, कि जो सेल टैक्स का ऑफिसर है वो अगर आपके ऑफिस में आता है, ऑफिस प्राइमिस में आता है जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वो अपना मनमानी तरीके से कोई भी सेल अमाउंट डिसाइड करके वो टैक्स आपसे ले सकता था। और मुझे अभी भी मतलब शॉकिंग नहीं है कि आपके यहाँ अभी भी ये सेल टैक्स का कानून है। वेल्थ टैक्स की बात की, मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई वेल्थ टैक्स है, अगर होगा भी तो बहुत मिनिमल है। ओवर द टाइम पीरियड बहुत सारी रीजनल पार्टीज जो है वेल्थ टैक्स की बात करती है, जैसे केजरीवाल जी ने भी बोला था कि हम वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये कोई करता नहीं है। लेकिन आपके यहाँ पता नहीं क्यों वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि कॉमन सिटीजन पे लागू होता है और जो इलीट है उस पर लागू नहीं होता। रॉयल्टी का मुझे थोड़ा सा अपडेट देंगे दिविक भाई, तो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि आपके यहाँ रॉयल्टी का क्या चक्कर है, क्योंकि जो मैं असेसमेंट कर पाया हूँ, अगर आपकी रॉयल्टी कलेक्शन भी अगर प्रॉपरली हो जाए और तो उसके बेसिस पे भी आप अच्छा जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। कुछ कंट्री है जो जो रॉयल्टी का जो रेवेन्यू होता है वो सिविलियन में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ओमान में 32-35 लाख के अप्रॉक्स वो हर सिविलियन को बांट देते हैं, जो कि ऑयल का रॉयल्टी होता है। अब मैं अगर बिजनेस एनवायरमेंट की बात करूं, तो हमारा जो सबसे अच्छी जो टैक्स बेनिफिट है, जो एवरी जो बिजनेसमैन है जो एब्रोड में बिजनेस कर रहा है उसके लिए है, कि 88+ कंट्रीज के साथ हमारा डुअल टैक्सेशन ट्रीटी है, जो कि काफी इफेक्टिव है और काफी बेनिफिट मिलते हैं उसके। इवन जो हमारे जो एक एक्टर है कैप्टन कनाडा, उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप इसीलिए ले रखी है क्योंकि उनको कनाडा के टैक्सेशन सिस्टम की वजह से बेनिफिट मिलता है। मैं समझा नहीं, रॉयल्टी का क्या होता है सर? रॉयल्टी मिनरल रॉयल्टी होता है, अगर आपको नेचुरल रिसोर्सेज है जिसकी माइनिंग हो रही है। ठीक है, मैं ठीक है समझ गया।
रॉयल्टी का ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में 50% खदानें चाइना ओन करता है और 50% हमारी एस्टेब्लिशमेंट ओन करती है। अच्छा, मैं पहले आपको कुछ डेटा देना चाहूंगा, फिर आप अपना सवाल रिबा पूछिएगा। 2015 में इंडिया का कॉर्पोरेट डेट था 65%, 2023 में 50%, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2013 में एनुअली $22 बिलियन आती थी, 2023 में अब तक 7-8 महीने में 46 बिलियन आ चुकी है, सालाना की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 2013 में 100 बिलियन, 2023 में 500 बिलियन। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स रेट 2013 में 33.9% था, 2023 में 22% है। आरबीआई की सीपीआई इन्फ्लेशन या जिसे आम लफ्जों में बोले रिटेल इन्फ्लेशन 2013 में 10%, 2022 में 4.7%। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2013 में 0.89 बिलियन और 2023 में $32 बिलियन एनुअली। अच्छा, इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2016 में 4.4% और 2023 में 76.1%। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका डेटा का इसका क्या ताल्लुक है, ये बिजनेस का तो डेटा है नहीं, ये तो गवर्नमेंट का है, लेकिन ये वो डेटा है जो अफेक्ट करता है बिजनेसेस को। ठीक है, आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो म्यूचुअल फंड वाले कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? म्यूचुअल फंड में कोई भी, अब मैं बंदा हूं, मैंने अपनी महीने की 100 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, हर महीने की सेविंग, वो आगे फंड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इन्फ्लेशन कम है तो मतलब इन्फ्लेशन कम है तो इंसानों की लोग आवाम की बाइंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपके एक तरीके से आप समझ लें कंज्यूमर स्पेंडिंग आपकी मार्केट में बढ़ गई तो लोग खरीदेंगे। और जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन का सबसे असर, जो सबसे ज्यादा असर टीयर 2, 3 और 4 सिटीज पे होता है, 1 पे इतना ज्यादा नहीं होता। और अगर आप डावोस में अभी जो गए थे अश्वनी वैष्णव, स्मृति ईरानी और एन चंद्रशेखर, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, एन चंद्रशेखर ने उधर कहा था द गुड न्यूज फॉर इंडिया इज दैट मोस्ट ऑफ द डिमांड दैट वी आर गेटिंग नाउ इज फ्रॉम टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज। उन्होंने टीयर 2 का भी नाम लिया, उन्होंने बोला टीयर 3 और टीयर 4। अच्छा, इसमें कुछ हाईवे और ये रेलवे पोर्ट भी हैं, उनका नाम मैंने नहीं लिया, वो सभी को पता है, वो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है और कंपनियों को उसमें भी फायदा है ना अपना माल पहुंचाने के लिए। ठीक है, वो चीज है। इसके अलावा जैसे हेलो जी, अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करें, डिजिटल ट्रांजेक्शन का क्या होता है, इसका फायदा आवाम का है। मैं पहले आपको थोड़ा इसको, बिजनेसेस को थोड़ा कम होता है, आवाम को थोड़ा ज्यादा होता है। आवाम को कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मैं 15 साल का हूँ, कॉलेज जाता हूँ, मेरा यूपीआई का अकाउंट है, मेरी अब डेली अगले जब तक मैं 22 या 23 का नहीं हो जाता, मैं यूपीआई से अपनी जिंदगी चल रही है, मेरी डेली की स्पेंडिंग, डेली के जो भी जरूरत के खर्चे वगैरह, ये यूपीआई की जो मेरी स्पेंडिंग और डिजिटल रिकॉर्ड है, डेट इज 50% to 60% ऑफ माई क्रेडिट स्कोर। तो जब मैं 22-23 का हो जाऊंगा तो मेरा क्रेडिट स्कोर में 7-8 साल का डेटा आ गया, 7-8 साल का डेटा, अगर किसी इंसान का रिबा बहुत अच्छा होना, क्रेडिट स्कोर आपका बहुत अच्छा हो जाता है, और जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है ना उनको बहुत शुरुआत में भी है ना बड़े बड़े लोन मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो मुझे शायद 50 लाख का लोन मुंह उठा के दे देंगे, आपका बहुत बुरा है तो आपको शायद 5 लाख भी है ना खून के आंसू रुला के देंगे बैंक वाले। तो क्रेडिट स्कोर की ये बड़ी अहमियत होती है, और सिमिलरली बिजनेसेस को भी इसका फायदा होता है, पर सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ इसका कंज्यूमर्स को फायदा है। ट्रांसपेरेंसी आ जाती है आपकी, फॉर्मल इकोनॉमी में आप ऐड करते हैं, ठीक है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी आप उसको खत्म करते हैं, और जो भी है ट्रांसपेरेंसी वगैरह वो तो अलग चीज है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट स्कोर और आपका डिजिटल रिकॉर्ड ये बहुत ज्यादा मायने रखता है जो होना चाहिए। जी अच्छा दिविक जी, मेरा आपसे सवाल है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से माइंडसेट क्या है, क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं इंडिया की साइड से और पाकिस्तान की साइड से? देखिए इस पे तो मजीद जुनेद भाई बताएंगे, पर मैं सिर्फ एक लाइन में बता देता हूँ, पाकिस्तानी बिजनेसमैन का माइंडसेट है कि स्क्वीज द कस्टमर्स, और इंडिया के बिजनेसमैन का माइंडसेट है कि ह्यूमन सेंट्रिक कैपिटलिज्म और ह्यूमन सेंट्रिक बिजनेस। बट के पीछे रीजन क्या है, क्या चीज रीजन? अपब्रिंगिंग, कंपटीशन, जब कंपटीशन नहीं होता ना तो ऐसा ही होता है। दूसरा अपब्रिंगिंग होती है, एजुकेशन होती है, हमारे ये लोग भी तो ये आप देखें एक बात समझें,
हमारे अमीर खानदान के एलीट खानदान के लोग भले बाहर जाके डिग्रियां लेते हो पर बेसिक स्कूलिंग और अपनी सोसाइटी तो पाकिस्तान में ही रह के पले बड़े हैं ना, तो हमें उस चीज को कभी है ना नहीं करना चाहिए। 18 साल तक आपका माइंडसेट वो तैयार हो जाता है और वो आपका माइंडसेट इन एलीट के बच्चों का पाकिस्तान में ही तैयार होता है। तो ये चाहे कोई भी कहीं से भी पढ़ के आ जाए, कितनी भी डिग्रियां लेके आ जाए, उससे कोई फर्क इतना ज्यादा कुछ खास पड़ता नहीं है, माइंडसेट आपका वही रहता है। फिर 50 खानदान के हाथ में अगर पावर है, सारा बिजनेस सारा पैसा है, जाहिर है वो स्क्वीज ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। एक होता है ना, दिमाग में अपने आप चलने लगता है, शुरू हो जाता है। दुनिया में टोटल अगर मैं समझू ना, अगर मोनोपोली में पूरी दुनिया में एक ही कंपनी है जिसका दिमाग आज तक खराब नहीं हुआ, वो है टाटा। उनका दिमाग आज तक खराब नहीं हुआ। नहीं तो मैंने जिस भी मुल्क की उठा के आप किसी भी कंपनी की उठा लो जो मोनोपोली में है, ठीक है, मोनोपोली है उसके पास, उसका दिमाग खराब ही है। वो दुनिया के अमेरिका में भी जिन कंपनियों का मोनोपोली है ना, वो ऐसे ही काम करते हैं, उल्टे काम ही करते हैं। वो अमेरिका वाले भी ऐसे ही करेंगे। तो आपको मोनोपोली ओलिगोपोली को तबाह करना पड़ता है। इसको कार्टेल कहते हैं, कॉर्पोरेट कार्टेल है ये आपका। आप कॉर्पोरेट कार्टेल को जब तक नहीं तोड़ोगे किस तरह चलेगा, ठीक है। सिंडिकेट में थोड़े ज्यादा आ जाते हैं वो, फिर वो अलग लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है, छोटे लेवल पे वो कार्टेल हो गया आपका, ठीक है। दूसरा इंडिया में देखें, उनकी परवरिश भी है, हर चीज भी है। दूसरा 47 से पहले की भी बात करते हैं, ठीक है। 47 से पहले भी इंडियन बिजनेसेस को उस वक्त के जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे, ये हैंड इन हैंड चलते थे। वो बोलते थे कि यार अंग्रेज तो चले जाएंगे पर इस मुल्क की डेवलपमेंट बिजनेसमैन ही करेंगे, तो उनको उतनी इज्जत भी दी गई है। वो अलग बात है कि आज के पिछले कुछ सालों में ये इंडियन पागलों के अदानी अंबानी पे चलाने लगते हैं, पर मैं कहता हूं, अगर मैं लिटरली आज चैलेंज है, एक दिन के लिए अदानी और अंबानी खत्म, बंद कराओ इनके सारे धंधे एक दिन के लिए, मैं लिख के देने को तैयार हूं और ये ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे वीडियो भी रहेगी। अगर चाइना ने हमला ना किया ना पाकिस्तान में, मेरा नाम बदल देना। चाइना क्या, अमेरिका भी हमला करेगा। बड़ी ताकतें हैं दुनिया में, आप लोगों को डीप स्टेट का नहीं पता। अभी आपको पता है दुनिया में ब्लैक रॉक है, 10 ट्रिलियन से ऊपर तो दो ही कंट्री हैं, अमेरिका और चाइना। ब्लैक रॉक $11 ट्रिलियन के एसेट संभालता है, वो डीप स्टेट का पार्ट है। फार्मा लॉबी, आर्म्स लॉबी, ऑयल लॉबी की जितनी कंपनी है, उन कंपनियों में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर ब्लैक रॉक है। मीडिया भी आप डाल दें, मीडिया में भी ब्लैक रॉक है, हॉलीवुड का भी ब्लैक रॉक है, बैंकिंग सेक्टर भी। हाँ, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस उठा लें जो लैंडिंग करते हैं, उनके कॉर्पोरेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस उठा लें जो इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स, नहीं गोल्डमैन सैक्स में गलत नाम ले लिया, सिटी बैंक उठा लें, एचएसबीसी उठा लें आप, ठीक है। ऐसी चीज है, ब्लैक रॉक सबसे बड़ा है, लेकिन उसके साथ दो तीन और भी है, जैसे वैनगार्ड है, ब्रिज एसोसिएट है, ब्रिज वाटर मैन्युफैक्चरिंग का है। ऐसे यही तो फर, ऐसे तो नाम लेते जाएंगे बहुत है। मैं एग्जांपल अभी इधर जो ब्लैक रॉक का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, ब्लैक रॉक अगर चाहता ना, चाहे ना, तो इंडिया की कैपिटल मार्केट्स को भी तबाह कर सकता है। इंडिया ने किस तरह न्यूट्रलाइज किया है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ज्वाइंट वेंचर किया है ब्लैक रॉक के साथ 50-50। वो इंडिया में पेनिट्रेट करें, उससे पहले इंडिया ने ब्लैक रॉक में पेनिट्रेट किया है, किसकी भलाई के लिए, इंडिया की भलाई के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स को अगर यूज कर सकती हैं, तो कॉर्पोरेट्स एक दो बेनिफिट गवर्नमेंट को यूज करके नहीं ले सकते। ये इंडियंस इतना तो बड़ा खुश होते हैं, बिल गेट्स को देखो, मार्क ज़करबर्ग को देखो, उसको देखो, वो तो उसकी मोनोपोली है, अमेरिका में उससे तो बड़ा कोई है नहीं, अमेरिका प्रेसिडेंट उसके आगे झुकता है। लेकिन यही अगर इंडिया का कोई बिजनेसमैन हो तो उनकी सोच आगे बदल जाती है कि ये तो लुटेरा है भाई। अदानी है तो तुम्हारे पास इंटरनेशनल मिलिट्री बेसिस है। मोदी जी अभी ग्रीस जा रहे हैं ना, तो ग्रीस में पता, अभी ज्यादा परेशान नहीं होना कि पता चले महीने के बाद ग्रीस में पोर्ट मिल गया और वो पोर्ट अदानी के पास चला जाए और उस पोर्ट पे फिर इंडियन मिलिट्री भी डॉक कर सकती है। अदानी है तो इंटरनेशनल मिलिट्री बेसिस आपके एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। ये अंबानी था तो डिजिटल इंडिया हुआ, अंबानी नहीं होता तो इंडिया अब तक डिजिटल तो छोड़े, वो अब तक वो उसी में पड़ा रहता 2G के अंदर। लोग गिव सम रिस्पेक्ट, इंडिया को इंडिपेंडेंट काफी चीजों में बनाने वाले कौन थे, टाटा थे, स्टील में, पावर में, कॉस्मेटिक्स लेके आए, एयरलाइंस लेके आए, कितनी चीजें लेके आए, पहला कंप्यूटर लेके आए 1952 में,
टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1945 आजादी से पहले का वो खुला हुआ है। इंडियंस को अपने बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना तो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ही कर रहे हो। बिरला दुनिया का 7th लार्जेस्ट एल्यूमिनियम में है, हाइड्रोकार्बन में भी कुछ है, तो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स में बिरला है ना टॉप 10 में आता है वर्ल्ड वाइड। उन फील्ड्स को मतलब दुनिया में 7वां बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है बिरला। अंबुजा उठा लो, अंबुजा नहीं दूसरा कौन सा है सर, वो इंडिया का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चर अल्ट्रा सीमेंट, वो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है अल्ट्रा सीमेंट, वो भी बिरला वालों का है। ठीक है, अडानी भी अभी आ चुका है उसके बाद। अंबुजा में, हाँ अंबुजा में, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, अल्ट्रा सीमेंट दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है सिंगल कंपनी। आदित्य बिरला को, वो आर्सलर मित्तल को उठा लो, आर्सलर मित्तल इज द लार्जेस्ट स्टील मेकर इन द वर्ल्ड। चाइना की और अमेरिका की गवर्नमेंट ओन कंपनीज भी उतना नहीं बनाती जितना आर्सलर मित्तल अकेला बनाता है। इंडिया की एक मदरसन कंपनी है, किसी ने नाम सुना, इंडियंस ने नाम भी नहीं सुना होगा, मदरसन कंपनी है ना, यूरोप के 40% ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटो पार्ट्स बनाती है सारी लग्जरी मैन्युफैक्चरिंग कार्स के लिए। ये जर्मन बेस्ड कंपनी थी ना जिसको शायद बिरला या महिंद्रा ने, इंडियन है, मदरसन इंडियन है, इन्होंने जॉइंट वेंचर किया हुआ है जापान की एक कंपनी के साथ, तो ये मिलके पूरी दुनिया में ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। पर एक आप पावर समझो ना, यूरोप में 50% 40% ऑटो पार्ट्स एक कंपनी दे रही है, लेम्बोर्गिनी, ऑडी, वोक्सवेगन, आपका फरारी, आपकी पेगर्ट हो गई उसके अंदर, आपकी अल्फा रोमियो हो गई, आप गाड़ियों के नाम लो, ट्रकों के नाम लो, स्कैनिया हो गया, रेनॉल्ट हो गया, वॉल्वो हो गया, लाइबर हो गया, कितने हैं यूरोपियन ब्रांड्स, वो इंडियन कंपनी उनको पार्ट्स देती है। तो आपको क्या लगता है अगर ये सारी इंडियन कंपनी आज एक आवाज में चलाए ना, बहुत कुछ हो सकता है। दुनिया का 25% इंटरनेट केबल्स टाटा कम्युनिकेशन ऑन करते हैं, सबसे सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई ओनरशिप है किसी की इंटरनेट सबमरीन केबल्स में तो वो टाटा वालों की है। तुम लोगों को क्या लगता है मोदी जाके ये नहीं बोलता होगा कि बेटा मेरे पास है ना 25% दुनिया के इंटरनेट का कंट्रोल है, ये बातें तुम्हें क्या लगता है दोवाल नहीं बोलता होगा मीटिंग्स में? योर बिजनेस आर द बैकबोन, दे आर द बैकबोन एंड दे आर द रीजन फॉर द राइजिंग इंडिया, सो गिव देम रिस्पेक्ट। जुनेद जी आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या माइंडसेट, मैं कुछ ऐड कर दूं, मैं कुछ ऐड कर दूं, ऐसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हाँ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब मोदी जी खुद जाएंगे सामने वाले को खुद पता है। अगर यूके की, यूके में अगर मोदी जी जाते हैं तो उनको पता है यूके की जो स्टील मिल्स है सारी वो इंडियंस ने एक्वायर की है, यूके की जितनी भी टॉप कंपनियां उठा ले सारे इंडियंस ने एक्वायर करके रखे, तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। अपने जो टाटा की बात की, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है उसका इस देश में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अगर वो इंस्टीट्यूट ना होता तो आज हमारे पास एटम बम भी नहीं होता। आज भी एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिबाजी, इंडिया में एक कंपनी है ज्यादातर लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, राजेश एक्सपोर्ट्स। तो इंडिया की सिर्फ 7 कंपनियां जो फॉर्च्यून 500 में है, उसमें से एक है राजेश एक्सपोर्ट्स, वो गोल्ड के काम में है। आपको पता है उन्होंने रिसेंटली अभी कुछ साल पहले वल्कामी को अक्वायर किया जो कि गोल्ड रिफाइनरी है स्विट्जरलैंड में, एंड वल्कामी इज द ओनली रिफाइनरी इन द वर्ल्ड जिससे निकला हुआ गोल्ड लंदन बुलियन एक्सचेंज पे जाके वो लिस्ट होता है। पहला स्टेप वन, अब स्टेप टू क्या है, गिफ्ट सिटी में गोल्ड एक्सचेंज बनता है, बुलियन एक्सचेंज बनता है। स्टेप थ्री, राजेश एक्सपोर्ट की अनाउंसमेंट होती है कि अब हम गोल्ड की रिफाइनरी इंडिया में भी खोलेंगे। तो इंडिया गोल्ड के रेट कंट्रोल करता था, फॉर एग्जांपल 5%, वल्कामी के बाद वो 10 हो गया। ठीक है, इंडिया में गिफ्ट सिटी के बाद वो 20 हो गया, रिफाइनरी खुलेगी तो 30 हो जाएगा, ओडिशा में माइन मिली तो 40 हो जाएगा। तो योर प्राइवेट कंपनीज गिव यू द पावर टू कंट्रोल द वर्ल्ड एंड कंट्रोल द वर्ल्ड, मेक फ्रेंड्स, मेक एनिमीज अफ्रेड। प्राइवेट कंपनियां बहुत कुछ कर देती हैं, आपको अंदाजा भी नहीं इंडिया की इतनी कंपनियां, मैं अभी मुंह पे तो आ भी नहीं, रिलायंस अंबानी को इतना तुम लोग देते हो ना, अंबानी की रिफाइनरी नहीं होती तो रशियन ऑयल भी तुम लोग नहीं कर सकते थे प्रोसेस।
इट वॉज अंबानी हु मेड इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर. अंबानी की रिफाइनरी से पहले इंडिया एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं, अपने ही पूरे नहीं करता था, उल्टा इम्पोर्ट करता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी. और अंबानी की रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है. इवन जो BASF की जर्मनी में है ना, वो भी अंबानी की रिफाइनरी से करीब 2-3 लाख बैरल छोटी है. तो आप लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए. और अंबानी के सिर्फ यहाँ पर स्टेक नहीं, अंबानी की आपके पास फाइनेंशियल मार्केट में पावर आती है. गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी इज टू मेक इंडिया द फाइनेंशियल हब. लंदन को पीछे करना, पेरिस को पीछे करना, हांगकांग को पीछे करना, शंघाई बीजिंग को पीछे करना, सबसे आखिर में जाके न्यूयॉर्क के नास्डाक को पीछे करना. गिफ्ट सिटी का मतलब वो है. फुल फॉर्म क्या है गिफ्ट सिटी का? गुजरात क्या है? फाइनेंशियल कुछ है ना, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ऐसा कुछ करके लॉन्ग टर्म था. फाइनेंस है, उसके नाम में फाइनेंस है, तो हमेशा समझो वहां पर इंस्टीट्यूशन सिर्फ बैंकें क्यों खुल रही है? गिफ्ट सिटी में कभी कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही? कोई ट्रेडिंग ऑफिस क्यों नहीं खुल रही प्रोडक्ट्स की? ट्रेडिंग ऑफिस को लगती है तो वो कमोडिटी की ट्रेडिंग लगती है. एक्सचेंजेस बिकॉज़ दे वांट टू, क्योंकि उसको नया वॉल स्ट्रीट बनाना है, वो नया न्यूयॉर्क सिटी बनाना उसको. बिल्कुल. बैंक ऑफ बड़ौदा देख लें, वो 32 नंबर पे HCL है, MRPL है, कनारा है, ITC है, जनरल इंश्योरेंस, इंफोसिस, नायरा, जिंदल, एक्सिस, आप नाम ले, गैरिसम है, भारतीय एयरटेल है. भारतीय एयरटेल इज द सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इन द वर्ल्ड. अफ्रीका के भी 14 मुल्कों में एयरटेल चलता है. और अभी एयरटेल ने आसियान कंट्री में टावर खरीदना शुरू कर दिए, जो उनकी एक सब्सिडियरी है कि भारतीय एयरटेल टावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो ऐसा कोई नाम है, वो आसियान में अब टावर ले रहे हैं. अब दुनिया में अपना उसमें भी आप लोग अपना टेलीकम्युनिकेशन में, ये पावर होती है. कंपनी तो कोई भी खोल लेगा, विदाउट टावर आप कैसे टेलीकम्युनिकेशन चल सकती है? जब टावर एक इंडियन कंपनी है तो उसके ऊपर इक्विपमेंट भी तो इंडियन लगेगा, तो उसके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे आपके. एक चीज के 6 बाय प्रोडक्ट होते हैं, हमेशा ये चीज याद रखिएगा. पूरी की पूरी इकोनॉमी होती है एक प्रोडक्ट के इर्द गिर्द, एक पूरी की पूरी सप्लाई लाइन बन जाती है, बहुत सारे नए बिजनेसेस सेटअप हो जाते हैं अगर एक प्रोडक्ट आप एक सेगमेंट को आप टच करते हो तो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जुनेद, और अंबानी का जैसे आपने बोला कि कई चीजें होती है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लीगली, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके जो इनडायरेक्ट वे होते हैं. मैं इसका एक बड़ा फनी से एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, इंडिया में आज के टाइम में कोई 70-80 ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं, सारे मिला के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्रेने, ट्रके, बसे, गाड़ियां सब मिला के. इंडिया में 70-80 ऑटोमोबाइल मेकर है, उसके बाद 750 आज ऑटो कंपोनेंट वाले भी हैं, ठीक है. जब ये दोनों बने तो उसके बाद आपकी इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस कंपनियों ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कार इंश्योरेंस. इंडिया में कुछ ऐसी छोटी इंश्योरेंस कंपनियां जिन्होंने स्टार्टिंग ही कार इंश्योरेंस बेच के की थी, उसके बाद वो दूसरी इंश्योरेंसेस में है. आपकी कैपिटल कंपनियां जो जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल फाइनेंस कंपनीज जो लेंडिंग का काम करती हैं, बजाज फिनसर्फ जैसी, उन लोग वो उनका पहला प्रोडक्ट क्या था? 2 प्रोडक्ट होते हैं पहले, या गोल्ड को हम गोल्ड रख के पैसे देते हैं, या दूसरा गाड़ी लीज करके देते हैं. उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोटक महिंद्रा बैंक है, उन्होंने गाड़ियों की लीजिंग से शुरू किया था. आज कोटक महिंद्रा भी इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड, मेरे ख्याल से 12वें-13वें नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये पूरा इकोसिस्टम है. एक गाड़ियों की बात करें, गाड़ियों से कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी, अभी भी बहुत कुछ होगा जो मुझे नहीं पता. ऑटो एसेसरीज हो गई और आपके और भी 50 चीजें होती है, पर इट इज एन एग्जाम्पल टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव. जुनेद जी, मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये है कि ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में, और साथ अपॉर्चुनिटीज का क्या आप एक क्राइटेरिया देख रहे हैं, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को. ऑलमोस्ट हमारे 88 कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, ड्यूअल टैक्सेशन को लेकर मैं पर्टिकुलर बोल रहा हूँ. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बहुत सारी कंट्रियों के साथ साइन है, जिन कंट्रियों के साथ आपका जो मेजर जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो तुर्की, चाइना और एक आध कंट्री होंगे बिग कंट्री. हमारा अभी ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ साइन होने जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट.
ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने गेट एग्रीमेंट साइन किया था जो WTO का पार्ट था उसके तहत हमारा जो इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं ट्रेड का वो तो हम बहुत मतलब जो WTO के हिसाब से तो हम परस्यू कर ही रहे, लेकिन इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमारे बहुत सारे कंट्री के साथ साइन है जो कि बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का है हमारा। और रीसेंट अगर डेवलपमेंट देखें तो UK के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन चल रही है जो कि काफी टाइम से चल रही है, और जर्मनी भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिमांड करता है जो कि देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कैसा जाता है। हमारा UAE के साथ काफी अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और रीजनल लेवल पे हमारा बांग्लादेश नेपाल से ओपन ट्रेड है जिसमें हम टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत सारे देते हैं। हमारे जो बिजनेसमैन जो दूसरे कंट्रीज में जाके बिजनेस करते हैं उनको डुअल टैक्सेशन है ट्रीटी, और डुअल टैक्सेशन हमारे यहाँ जब है वो बिजनेसमैन को बेनिफिट के लिए, जबकि आपके यहाँ जो डुअल टैक्सेशन ट्रीटी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो दिविक भाई का सर कुछ ऐड करेंगे उसको? नहीं नहीं आप कंप्लीट करें। हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, आप बोलिए। नहीं मेरा कुछ नहीं, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग अलग तरीके से होती है, पहले क्रिप्टो एसजेड के रूट से, एसजेड के रूट से लेके आ, ना 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 पहले क्रिप्टो ली जाती है, ये टैक्स इवेजन का मनी लॉन्ड्रिंग का। डिविक जी मेरा आपसे भी क्वेश्चन यही है कि ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से और साथ में अपॉर्चुनिटी के हवाले से क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं आप? देखा ट्रेड एग्रीमेंट तो हमारे साथ किसी के साथ है ही नहीं, तो हमें तो हमें एक उधर भी लैग करते हैं। हाँ हमें ये एक फायदा यूरोप से हमें एक फायदा मिल जाता है कि हमें GSP प्लस स्टेटस मिला हुआ है, तो जो फॉर एग्जांपल इंडिया से अगर सेम प्रोडक्ट कोई बेच रहा है तो उसका प्रोडक्ट यूरोप में थोड़ा महंगा पहुंचता है कंपेयर टू अगर सेम प्रोडक्ट कोई पाकिस्तान से बना के बेचेगा, तो ये एक है। बाकी तो पाकिस्तान के कोई ऐसे खास ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं पर वो इतने खास नहीं है, वो पुराने हैं, ठीक है, तो वो आज के टाइम पे वो लागू नहीं होते या इतने अफेक्टिव नहीं है, और कोई गिनती के दो तीन ही है, कुछ ज्यादा भी नहीं है, तो ये एक चीज है। दूसरी आपने अपॉर्चुनिटीज की बात की, देखिए अपॉर्चुनिटीज में तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज लाके दे, वो तो अपने में ही पूरी है तो उसको कहां से लाके देगी। दूसरा होता है कि अपॉर्चुनिटीज आपके मुल्क में हो लेकिन पॉलिसीज ऐसी हो कि आप उनको ग्रैब करें तो आपके लिए फायदेमंद हो, ठीक है, वो प्राइवेट बिजनेसेस का काम होता है। तो हमारे मुल्क में प्राइवेट बिजनेसेस किसी को आने नहीं देते, और हमारे वो रूल्स या पॉलिसीज जैसी नहीं है जिससे हम उसका फायदा उठा सके। IT का ही ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल मैंने IT का हजार दफा बोला, आपके सामने लाइट गई है और आई है, ठीक है, हम लोग इसी में पूरे, हम IT का काम करेंगे, इंटरनेट की स्पीड हम बात करते रहते हैं, डेली इंटरव्यू करते हैं, ये हम IT का काम करेंगे। और मैं आप और मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स को, कि मेरे पास बिजनेस इंटरनेट कनेक्शन है, मेरे पास कंज्यूमर नॉर्मल पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उसके बाद भी मेरे साथ इंटरनेट के बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, और मैं वन ऑफ द पॉश एरियाज में रहता हूँ कराची के, तो उधर भी बिजली का उतना ही मसला है। तो ये जितनी भी हवाएं और भाई ये एक हवा बना हुआ है ना कि अमीर के लिए सब कुछ, इधर अमीर का भी है वही हाल है बाहर जाके, ये जो है सबका। तीसरी चीज होती है कि कोई एक अकेला बंदा एक अकेली कंपनी है कहीं बाहर से अपॉर्चुनिटीज लेके आया, उसका मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, उसको डिस्करेज किया जाता है, उसको दबाया जाता है, उसे और स्पेशल चीज को नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे ना जो जो कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद होगी उस पर तो और ज्यादा रिश्वत लेंगे, ये पाकिस्तान में ये रिवाज है, तो उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। दूसरा जो जुनेद ने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, अब तो थोड़ा सा तरीका बदल गया मनी लॉन्ड्रिंग का पाकिस्तान में, पहले इधर क्रिप्टो करेंसी में पैसे कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, कन्वर्ट करने के बाद वो फिर किसी ऐसे आइलैंड पे जाते हैं जहां से उनकी ट्रीटी हो अमेरिका UK वगैरह के साथ, उधर जाके वो अपनी क्रिप्टो करेंसी खुली करवाते हैं, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पैसे उस आइलैंड की बैंक से अमेरिका की या UK की बैंक में ट्रांसफर करते हैं, एक ये तरीका। दूसरा तरीका है कि चार्टर्ड प्लेन करवा लो और कैश में सारा पैसा ले जाओ सूटकेस में भर के, आजकल ये दो तरीके सबसे ज्यादा कॉमन है। अच्छा, और ये SEZ रूट से भी करते हैं ना आपके यहाँ भी, जो 1% स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले रूट से, जब उनको 1% का टैक्स देना होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड? ना 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 सर, हमारे इधर इतनी परवाह करते ही नहीं है, इधर वो सूटकेस वाला काम सबसे ज्यादा अच्छा है ना, घर से निकलो एयरपोर्ट जाओ सूटकेस में
95% वो करते हैं, रिमेनिंग 4% आपका ये ब्लॉकचेन से करते हैं, और ब्लॉकचेन कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी से 1% है वो फिर अलग अलग तरीकों में, कोई हवाला में है जैसे आपने SEC का वो ऐसे उसमें है, वो जमाने गए सर। हमारे पास बहुत आसान है, हमारे पास काम आसान है, आप जो बता रहे हैं उसके अंदर एक CA रखना पड़ेगा, SEC में कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, फिर बाहर भी एक शेल कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, इधर प्लेन में बैग डाला पैसे डाले ले गए बात खत्म, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड बहुत आसान है उसके लिए आपको फरहा गोगी होना पड़ेगा। हाँ अब आप समझे ठीक है, और हमारे पास्ट से लाई होना पड़ेगा। हाँ या मियां बंतसा भी बन सकते हैं आप, उसकी तो अपनी बैंक है तो वो तो कुछ चाहे तो खुद भी वो बैंक के थ्रू ले जाएगा, उसकी तो अपनी बैंक है। लास्ट एक मैं ऐड कर लूं, हमारे यहाँ भी ये था SEZ रूट था मॉरिशस वाला जिसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया हमेशा, लेकिन वो उसमें टैक्स इवेजन नहीं होता। मालदीव वाला आज ही खुला हुआ है, कैसे के आने के लिए खुला हुआ है, जाने के लिए नहीं खुला हुआ। हाँ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या नीदरलैंड से ज्यादातर आती है या ये मालदीव मॉरिशस से ज्यादातर आती है इंडिया में। अच्छा जुनैद एक आखिरी सवाल आपसे है मेरा, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से आप क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के कॉर्पोरेट के दरमियान? आपका तो मुझे नहीं पता लेकिन हमारे मैं पहले शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ फिर आप बताइएगा। पहली चीज इंडिया में ये गवर्नमेंट की भी सख्ती है CSR के ऊपर, पाकिस्तान में कोई सख्ती नहीं, इधर 2% है और उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है हमारे यहाँ भी 2% ही है लेकिन अकाउंटेबिलिटी है, कंपनी आपकी ज्यादा इसलिए यूज करती है, आपकी मोस्टली जो बड़ी ग्रुप्स हैं वो तो 5-10% तक भी CSR पे डाल देती हैं, तो उसको ठीक है उसको छोड़ें। दूसरी चीज जो होती है जहाँ के बिजनेसमैन कस्टमर को निचोड़ने की सोचते हैं जिनका माइंडसेट ही है वो CSR करेंगे, लोगों के ऊपर डोनेशन करेंगे, लोगों की चैरिटी करेंगे। ठीक है आप माइंडसेट समझे ना, जो पहले जो कमाओगे तो CSR करोगे ना, जो कमाते वक्त ही वो कस्टमर को निचोड़ने की सोच रहा है, जिस मुल्क के और जिस बिजनेसमैन के संस्कार ये होंगे वो CSR क्या कर लेगा, वो CSR में भी हवाला ढूंढेगा, वो 2% के बजाय 7% करके बोलेगा मैंने ज्यादा CSR किए मुझे वो दो छूट दो। हमारे पाकिस्तान में कुछ ज्यादा भी करते तो भी शक होता है, हमारा तो ये हाल है। ठीक है और बाकी तो मैं अभी इंडिया के एग्जांपल्स नहीं दूंगा, इंडिया में तो CSR की बस इतना मैं बोलना चाहूंगा, इंडिया में जो बड़े बड़े 100 कंपनियों की बात करूंगा, टॉप 10 प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जिनका 2% वहां का वो रूल कहता है पर उससे ज्यादा वो खर्च करते हैं CSR के ऊपर, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो गवर्नमेंट की रेगुलेशन से भी ज्यादा करते हैं अपनी तरफ से, और उसकी अकाउंटेबिलिटी है। इवन ऑडिटर्स जो एक इंटरनल ऑडिट होती है टॉप 10 कंपनी जाहिर सी बात है वो स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड है, तो जो स्टॉक मार्केट पे होते हैं उनके 2 ऑडिटर होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटिंग रिपोर्ट के अंदर भी CSR की पूरी डिटेल होती है, कहाँ कहाँ खर्च किया कितना किया कैसे किया, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है क्योंकि वो उनकी वेबसाइट पे अपलोडेड होती है पब्लिक कंपनीज की, कोई भी जाकर पढ़ सकता है। जुनैद जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? खैर आपने ऑडिट की बात की, ऑडिट जो कमर्शियल ऑडिट होता है हमारे यहाँ किसी भी कंपनी में बहुत सीरियस लिया जाता है। CSR जो है हमारा जो सब अजीम प्रेम जी है वो अपना ऑलमोस्ट 40% जो नेट प्रॉफिट है उसका डोनेट कर देते हैं। टाटा की बात करें तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है जो वेल नोन है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा को छोड़ दे टाटा दुनिया से अलग है, मैं कहता हूँ कभी भी आप प्राइवेट बिजनेस में टाटा का तो बात ही नहीं होनी चाहिए, 66% देते हैं हर साल अपनी कमाई का, तो टाटा को तो छोड़ दे वो अलग दुनिया से। तो बहुत सारे प्रोग्राम है जैसे हमारे यहाँ नेत्रांजलि चलता है, बच्चों का हार्ट का ट्रीटमेंट करा दिया, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती है, जेंडर इक्वालिटी के लिए कुछ काम कर दिया, रूरल डेवलपमेंट में काम कर दिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में काम कर दिया, ठीक है ना, उसके अलावा एनवायरमेंट के लिए भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं। इंडिया में CSR पता है आपको किस तरह होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं,
मुझे अभी याद आया जिन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का कहा रूरल का, इंडिया में सीएसआर ऐसे नहीं होता, फाउंडेशन बने उसको पैसा दे दिया, ऐसे नहीं होता। इंडिया में सीएसआर इस तरह होता है, चलो इस गांव में चलते हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है, पानी का प्लांट लगा देते हैं। 2.5-3 लाख रुपए का तो प्लांट लगता है, छोटा सा, 200-300 लोगों के लिए इतने का ही लगेगा, छोटा सा, चलो इधर प्लांट लगा देते हैं। अरे चलो उधर थोड़ा सा ना छोटी सी कैनाल बना के आते हैं, इस साल हम ये 100 घर इस गांव में पक्के करवा देंगे, आज हम इस हॉस्पिटल में इतने बच्चों का इलाज करवा देंगे। अदानी जैसे अदानी गरीब बच्चों को पढ़ाता है, 10,000 गरीब बच्चे अदानी के स्कूल में पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल। अदानी और भी काम करता है, मुझे एक ये अभी मुंह जुबानी याद है, सिमिलरली रिलायंस का भी है। बिल्ला में जाएंगे तो बिल्ला के भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्ला ने भी बहुत इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बनाए हैं। सिमिलरली महिंद्रा वालों ने बनाए हैं, बजाज वालों ने बनाए हैं, मतलब नाम लेते जाए जिंदल वालों ने बनाया, आप नाम लें, बस इंडिया की कंपनियों का कोई एंड नहीं है, आप नाम लें। और उन लोगों ने बनाया, मुत्तू ग्रुप वालों ने बनाया, बाय द वे मुंजाल ग्रुप, ऐसे लोग इंडिया में भी हैं, ठीक है, आप ऐसा ना समझेंगे इंडिया के बिजनेस का शरीक है, पर बात वही ना, 1% करप्ट है ना, 1% बोलता है कि हमें कस्टमर को निचोड़ना। मैं इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, मुंजाल ग्रुप इंडिया का, वो कस्टमर को निचोड़ता भी है, और अभी पिछले हफ्ते ईडी की रेड भी पड़ी है, उसके घर से कुछ मिलियन डॉलर मिले हैं कैश में, आज ईडी के पास बैठा हुआ है। उसका प्राइवेट प्लेन में कुछ इंडिया के एंटी इंडिया लोग ट्रेवल करके श्रीलंका भी गए थे, ठीक है, मैं हैशटैग भी लगा रहा हूँ साथ में, तो देख लेना। त्रिविक जी बहुत शुक्रिया आपका, जुनेद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सकें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए, और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हमें दें इजाज़त, थैंक यू सो मच।